राम राम सलाम, दिस इज योर ब्रदर सतीश एंड यू आर वाचिंग वीकेंड ब्लॉग। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इको पार्क ब्लॉग में मैं इको पार्क को डालने वाला था, लेकिन आपको बोरिंग लगेगा, इसीलिए वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाला था। लेकिन आज हम जाएंगे इको पार्क के अंदर और देखेंगे इको पार्क के अंदर क्या क्या है। तो ज्योति भाई, टिकट का प्राइस कितना आ रहा है? रुपीज़ ओनली, तो पर पर्सन 30 रुपीज़ का आ रहा है। और छोटे बच्चों का, छोटा बच्चा का भी 30 रुपीज़। सो गाइस, हम लोग अभी इको पार्क के अंदर आ चुके हैं और अभी सनसेट का टाइम है, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं सनसेट जो है कितना खूबसूरत दिख रहा है। और यहाँ पे कुछ साइकिल का रेंट मिल रहा है, तो अभी हम साइकिल हो सकेगा तो साइकिल भी रेंटिंग पे लेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे साइकिल रेंटिंग के लिए आए हैं। एक सीटेड वाला साइकिल का प्राइस कुछ 150 रुपये बोल रहा है, सिर्फ आधा घंटे के लिए। पहली बार ये साइकिल ट्राई कर रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। मतलब आगे वाले के पास सब कंट्रोल होता है, पीछे वाले को सिर्फ पेडल मारना होता है। सो यहाँ पे मेरे को एक आर्टिस्ट कटेज नाम का कोई जगह मिला है। देखो मेरे पीछे वाला घर देख सकते हो। कोलकाता से ब्लॉग करते हुए साइकिल में आपका भाई सतीश ये कहता है कि इसका जो नज़ारा है शाम के टाइम पर बहुत ही खूबसूरत है और काफ़ी भीड़ भी है। अभी हम लोग आकर और एक जगह पे पहुंच चुके हैं और ये जगह भी बहुत ही खूबसूरत है। तो ये देख सकते हैं मेरे पीछे, तो ये वही इको पार्क के अंदर है। तो अभी शाम होने वाला है, तो अभी हम साइकिल वापस आधे घंटे के लिए रेंट में लिए थे, तो अभी हम उसको वापस करने जा रहे हैं। और एक बात गाइस, जिस जगह पे मैंने आपको इससे थोड़ा सा पहले आपको दिखाया जो जगह, तो वहाँ पे हमने कुछ फ़ोटो शूट किए हैं, बहुत ही अच्छा अच्छा फ़ोटो आया है। तो अगर आप उस फोटो को देखना चाहते हैं, डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम वीकेंड ब्लॉग्स ऑफिशियल, तो वहाँ पे आपसे बात भी हो सकता है, आप अगर आप मैसेज करते हैं, फॉलो करते हैं। ये इको पार्क का मैप, और अभी सिद्धू भाई हमें समझा रहे हैं कि हम कहाँ पे हैं और हमें कहाँ जाना है। गाड़ी चला गया, तो ये दोनों टॉय ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे कि ताकि हम लोग टॉय ट्रेन, सिटीजन ट्रेन, तो उसमें बैठकर जाने की कोशिश करने वाले थे, लेकिन वो गाड़ी रुका नहीं, सीधा चला गया और ज्योति भाई दौड़ते दौड़ते थक गए। सो गाइस, अगर आप इस इको पार्क में आते हैं तो आपको पास में मिल जाएगा मदर वैक्स म्यूजियम। पर हम लोग अभी बाहर जा रहे हैं, तो अभी एक मिठाई दुकान है, यहाँ का सबसे फेमस मिठाई शॉप, जो कि बहुत बड़ा शॉप है, और उसके अंदर जाकर क्या क्या हम खा रहे हैं आपको दिखाएंगे। अभी हूँ साउथ सिटी मॉल के अंदर, और साउथ सिटी मॉल के अंदर अभी गेम चल रहा था क्रिकेट मैच का, जो कि इंडिया और किसका मैच चल रहा था भैया? इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था। तो आई होप आज का मैच जो है बहुत ही अच्छा जाएगा और हम लोग भी इस मॉल में जितनी देर हैं बहुत ही एंजॉय करेंगे। खरीदने वाले नहीं थे, सिर्फ फूड कोर्ट में खाना पीना करके जाने वाले थे, लेकिन ज्योति भाई को जो पसंद आ गया ये शर्ट, तो ये शर्ट वो ट्रायल करने वाले हैं। शॉपिंग हो चुकी है कंप्लीट, तो अभी हम लोग फूड कोर्ट में जा रहे हैं और यहाँ पे ऊपर मैच भी चल रहा है, मैच भी देखेंगे, फूड कोर्ट में खाना भी खाएँगे, बहुत ही एंजॉय होगा। डूड, तुम्हारा भाई और एक जगह पे आ गया है ब्लॉग बनाने, तो इस बार आई एम इन सो। ज्योति भाई टिकट काट चुके हैं। ज्योति भाई टिकट कितना, टिकट का प्राइस 30 रुपीज़ ओनली, 30 रुपीज़ ओनली पर पर्सन के लिए 220, और फॉरेन पर्सन के लिए 220 पर पर्सन। नहीं आप देख सकते हो बहुत ही लंबा लाइन लगा हुआ है। हम लोग कोलकाता में जितनी भी जगह गए हैं घूमने के लिए, सबसे ज़्यादा फॉरेनर्स यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। अगर इसी तरह का कुछ चीज़ें हमारे उड़ीसा में कुछ बने तो आई होप कि हमारे उड़ीसा में भी बहुत ज़्यादा संख्या से आएंगे फॉरेनर्स घूमने के लिए। सो यहाँ से अंदर जाने के लिए आपको फिर से यहाँ पे टिकट दिखाकर चेक करके जाना पड़ता है। सो गाइस, आई वाज थिंकिंग कि यहाँ पे वीडियो करना अलाउ नहीं करेंगे या फिर फोटो उठाने के लिए अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर अलाउ है और ये अंदर से एकदम मस्त दिखता है। जो गन देख रहे हैं ये है एनफील्ड गन, वर्ल्ड वॉर में यूज हुआ था और ये 1857 इंडियन रिवोल्ट, अमेरिकन सिविल वॉर 1868 में यूज हुआ था। हम लोग अभी ऊपर आ चुके हैं और ये देख सकते हो ये कितना नीचे है। I'm at the backside area of Victoria Memorial. सो गाइस, आज के ब्लॉग में इतने ही। तो हमने बहुत ही मज़े मस्ती किए इस विक्टोरिया मेमोरियल में या फिर आप म्यूज़ियम भी कह सकते हैं, और जगह जो है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा लगा घूम के। आई होप यू ऑल्सो एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा सो गिव अ बिग थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं बहुत जल्द और एक ब्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय, टाटा, लव यू गाइस। सो दिस इज सनसेट टाइम और हम लोग इको पार्क के अंदर आ चुके हैं। तो ये दोस्ती नहीं छोड़ेंगे। तो अभी कुछ दूसरा शर्ट दिए हैं वहाँ पे ज्योति भाई कैंट में अपना सिलवाने के लिए। यहाँ पे जितने भी सारे हम लोग फोटो उठाए ना उन सब का विश्व बंगला जाएंगे पहले, उसके बाद जाएंगे कहाँ चूज करेंगे। सो हमारा घोड़ा थोड़ा ज्यादा तेज भाग रहा है ज्योति भाई के घोड़े से। चलिए घोड़े, हाय हेलो राम नाम से वही तो ठीक है। सो लोगों को अट्रैक्टिव करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे चीज़ों से सजाया गया है। हमारे भद्रक में यानी कि तो ओडिशा में भी नहीं बनता होगा गुड़ का रसगुल्ला, बनता है विंटर सीजन में मिलता है जी, 2 महीना बस, उसके बाद खत्म। लेकिन यहाँ पे हर सीजन मिलता है? नहीं नहीं, गुड़ का रसगुल्ला 2 महीना मिलता है। अच्छा, एंजॉय करने में मदद करने वाले। पीछे म्यूजिक बज रहा है, शायद कॉपीराइट ना लग जाए इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे रखता हूँ।